हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडर एक संकेत। तो लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से जब आप कलेक्शन इंजेक्शन कर रहे होते हैं तो कैसे करना है, एंड उसमें हमने ये पढ़ा था कि अरे बेसिकली हम अरे कैसे इंजेक्ट करेंगे। नाउ अब बारी है कलेक्शंस फ्रेमवर्क में, जो जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क का सपोर्ट दिया गया है। जैसे लिस्ट हो सकता है आपको अरे लिस्ट उसमें इंजेक्ट करना हो, सकता है आपको वेक्टर इंजेक्ट करना हो, स्टैक इंजेक्ट करना हो, मैप इंजेक्ट करना हो, कुछ भी, मतलब जो भी आपको कलेक्शन इंजेक्ट करना हो, ठीक है, तो उसको हम कैसे इंजेक्ट करेंगे, राइट। तो आज हम लोग वो देखते हैं। अरे हमने देख लिया किस तरीके से अरे आपको इंजेक्ट करना है। नाउ जो इम्प्लीमेंटेशन दिए गए हैं, जो दूसरे इम्प्लीमेंटेशन दिए गए हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क में जावा में, अब उसको एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलेक्शन इंजेक्शन, ओके। तो फाइन है यार, कलेक्शन इंजेक्शन। अब पहली बात कि हम लोग आखिर कलेक्शन इंजेक्शन, देखिए कलेक्शन आई थिंक बहुत सारे लोग पढ़े होंगे एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क आप लोग पढ़े होंगे। कोर जावा सीखते वक्त ही आपको इसको पढ़ना होता है। कलेक्शन फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो आप प्रोजेक्ट बना ही नहीं सकते। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ आप कैसे प्रोजेक्ट आप बनाओगे कैसे, क्योंकि सब कुछ ऑब्जेक्ट के टाइप में आपको इधर उधर करके रखना है, वो करना है। रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में कलेक्शन फ्रेमवर्क का बहुत यूज है। अगर आप में से किसी को दिक्कत है कोई कलेक्शन फ्रेमवर्क के टॉपिक में, तो ऑलरेडी इसी चैनल पर काफ़ी लंबा कोर्स बना हुआ है, 14-15 घंटे का है ना, 13-14-15 घंटे का है, आई थिंक 13 घंटे के अराउंड होगा, 13 घंटे से ज़्यादा का। आप देखिए, वीडियो सर्च कीजिए कलेक्शन फ्रेमवर्क इन वन वीडियो, एक 11 घंटे का, 11.5 घंटे का वीडियो होगा, एक और वीडियो में दूसरा पार्ट होगा, क्योंकि 12 घंटे से ज़्यादा मेरे चैनल पर आई थिंक इंडिया में शायद ऐसा पॉलिसी है यूट्यूब का कि आप 12 घंटे से ज़्यादा वीडियो नहीं डाल सकते, आई डोंट नो। तो यहाँ पे मेरा अपलोड नहीं ले रहा था, इसलिए मैंने दो पार्ट में करके उसको अपलोड कर दिया। एक 11-11.5 घंटे से ज़्यादा का वीडियो है, एक 1.5 घंटे के आसपास का वीडियो है। तो वो कलेक्शन फ्रेमवर्क आपको अगर सीखना है तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। अदरवाइज चलिए हम लोग यहाँ कंटिन्यू करते हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क के इस ट्यूटोरियल में। तो कलेक्शन इंजेक्शन आपको करना है ना। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ कि वाई डू वी नीड कलेक्शन, यस ना, हम लोग आखिर कलेक्शन क्यों है ना, वाई डू वी नीड कलेक्शन, आखिर हमको कलेक्शन की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है, क्यों हम सिर्फ अरे के साथ काम नहीं कर सकते। देखिए बेसिकली क्या है कि अरे जो है अपने टाइम अपने जगह पे सही है, बट वो कलेक्शन जितना फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं दे सकता। सपोज अरे का साइज़ आपने एक बार फिक्स कर दिया, तो अगर आपने अरे का साइज़ फिक्स कर दिया तो फिक्स रहेगा, रन टाइम पर डायनामिकली ग्रो नहीं होगा, ठीक है, और इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सिर्फ यही नहीं है, एक पॉइंट और भी काफ़ी सारे पॉइंट है। पहली बात किया अरे जो होता है वो होमोजीनियस होता है, तो होमोजीनियस में मतलब एक ही टाइप के डेटा आप रख सकते हैं, अगर आप उसमें दूसरे टाइप का डेटा रखना चाहें तो नहीं जाएगा। तो कलेक्शन जो होता है, कलेक्शन इज हेट्रोजीनियस। बॉस कलेक्शन कैसा होता है, हेट्रोजीनियस। अब जब कलेक्शन हेट्रोजीनियस होता है, यहाँ आते हैं, उसके बाद डायनामिक ग्रोथ होती है इसकी। अगर रन टाइम पर भी इसको ग्रो करना तो ये कर जाएगा, है ना, डायनामिकली ग्रोएबल इन साइज, डायनामिकली ग्रोएबल इन साइज। और भी इसके फीचर्स होते हैं, काफ़ी सारा आपको फीचर देता है यार कलेक्शन, और डिटेल में मैंने बात करी है, पढ़ाया है मैंने पूरे कोर्स में अच्छे से। और क्या हो सकता है कि भाई ये बिल्ट इन मेथड्स देता है ना, गिब्स बिल्ट इन मेथड्स मतलब ऑलरेडी ये देता है मेथड्स टू वर्क विथ एलिमेंट्स ऑफ कलेक्शन, जो यस तरह तरह की चीज़ों को काम करने के लिए हमें काफ़ी सारा मेथड मिल रहा होता है, ठीक है। उसके बाद कि ये जो है इंटरनली डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम यूज करता है, यस, कलेक्शन फ्रेमवर्क में से लिस्ट हो गया, लिंक्ड लिस्ट हो गया, तो इंटरनली सब क्या यूज कर रहा है, कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से यूज कर रहे हैं। तो इंटरनली यूजेज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड अल्गोरिथम्स, यस डेफिनेटली इंटरनली दे यूजेस, राइट। अगर आप कलेक्शन के साथ जेनेरिक्स का काम करते हैं, अगर आप कलेक्शंस के साथ जेनेरिक्स प्रयोग करते हैं, ठीक है, कलेक्शंस विथ जेनेरिक्स विल प्रोवाइड टाइप सेफ्टी इन योर कोड। टाइप सेफ्टी आपके कोड में कौन प्रोवाइड करेगा, अगर आप जेनेरिक में कोड करते हैं। तो जेनेरिक में कहने का मतलब कि मान लीजिए कि मैं मुझे एक लिस्ट चाहिए, मैंने उसको जेनेरिक बना दिया स्ट्रिंग टाइप का, तो सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का डेटा मैं उस लिस्ट में रख सकता हूँ, दैट्स इट। तो ये चार पांच चीज़ जो नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने आप बताया कि हम लोग इसलिए कलेक्शन यूज कर रहे होते हैं। नाउ अगर हमें इंजेक्ट करना है वैल्यू, नाउ कम बैक टू आवर पॉइंट कि इंजेक्टिंग वैल्यूज़ टू जावा डॉट यूटिल डॉट लिस्ट। अगर आपको लिस्ट में
कुछ वैल्यूज डालने हैं, लिस्ट क्या है, कलेक्शन है ना। तो जो लिस्ट है ध्यान से समझिए, लिस्ट क्या है, कलेक्शन जो है इसमें क्या होता है भाई, तो इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ उसके बाद, लिस्ट में इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है, ठीक है। अब ये जो लिस्ट में इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि डुप्लीकेट्स आर अलाउड, डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स इसमें अलाउड होते हैं। और भी आप बहुत तरह तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं भाई, कि लिस्ट यू कैन एक्सेस, एक्चुअली यू कैन एक्सेस द एलिमेंट्स फ्रॉम जीरो बेस्ड इंडेक्स, है ना, थ्रू, थ्रू इज द राइट वर्ड, थ्रू, अरे भाई क्या हो जाता है यार, थ्रू, ऑलवेज स्पेलिंग मिस्टेक्स, ओके, यू कैन एक्सेस द एलिमेंट्स थ्रू जीरो बेस्ड इंडेक्स, जीरो बेस्ड इंडेक्स, इंडेक्स जीरो से शुरू होती है और वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, डैट्स इट। नेक्स्ट वन यार, कि ये जो लिस्ट है, ध्यान से समझिएगा, जो लिस्ट है इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होते हैं, ओके, इम्प्लीमेंटेशंस आर, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है, सबसे पहला अरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, और स्टैक का ही सब क्लास एक होता है वेक्टर, यस, फाइन। तो लिस्ट में ये सब होता है, एंड ऑलरेडी मैंने डीपली कवर किया है कलेक्शन के टॉपिक में, कलेक्शन फ्रेमवर्क के कोर्स में। अब हमें यूज करना है, इंजेक्ट करना है, वैल्यू को कैसे इंजेक्ट करें, है ना। ये तो था हमारा कि लिस्ट होता क्या है, इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से भाई, है ना, मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से। अब हमें लिस्ट, मान लीजिए हमें इंजेक्ट करना है, तो हम किस तरीके से वैल्यूज़ इंजेक्ट करेंगे लिस्ट में, तो ज़रा वो देखिए प्रैक्टिकली। बेसिकली लिस्ट को इंजेक्ट करने के लिए हम टैग्स यूज करते हैं, जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल में, इन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल, है ना, इन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल हम जो यूज करते हैं, वो कौन सा टैग यूज करते हैं वो देखिएगा ज़रा। तो हमें टैग यूज करना है कैसे, ऐसे मैं यूज करूँगा जो भी हमारा प्रॉपर्टी है, है ना, बीन, बीन के अंदर प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के अंदर जो वैल्यूज डालने हैं लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर मैं यूज करूँगा वैल्यू इस तरीके से, और यहाँ पे दूंगा सम वैल्यू। अब ये एक एलिमेंट हमारा रेडी हो गया, ठीक है, ओके, जीरो, जीरो इंडेक्स एलिमेंट, मतलब जीरो एलिमेंट, जीरोथ एलिमेंट हो गया, ऐसे मैं लिख देता हूँ जीरोथ एलिमेंट, ठीक है। अब वैल्यू, अगर हमें और भी वैल्यूज डालने हैं, इंडेक्स नंबर टू, तो इस तरीके से आप देंगे सम वैल्यू टू, है ना, इस तरीके से आपने वैल्यू दिया, एंड हियर क्लोज द वैल्यू टैग। अब ये इस तरीके से क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट, ओके, फर्स्ट एलिमेंट इस तरीके से। अब मान लीजिए हमको और नहीं डालना है, तो हमने कर दिया लिस्ट को क्लोज, ओके। तो ये है कब, जब आपका रैपर क्लास, मतलब जब आपका जो वैल्यूज है वो आपको सिंपल वैल्यूज डालनी हो, आपका वैल्यूज अगर सिंपल वैल्यूज अगर आपको डालना हो, तब आप इस तरीके से वैल्यू टैग का यूज करेंगे। अगर आपको रेफरेंस, अगर व्हेन वैल्यूज, व्हेन यू हैव टू गिव, व्हेन यू हैव टू गिव, कैसा वैल्यू चाहिए भाई, सिंपल वैल्यूज, सिंपल वैल्यूज इंक्लूडेड अ स्ट्रिंग, है ना, इंक्लूडेड अ स्ट्रिंग या रैपर क्लास, जो रैपर के वैल्यूज होते हैं उनको इंक्लूड करके, तो आपको इस तरीके से यूज करना है, ये टैग्स यूज करने हैं, ठीक है। अगर आप सेम चीज़ काम कर रहे हो, अगर आप यही चीज़ कर रहे हो, बट अगर आपको लिस्ट डालना है, एंड दिस टाइम आपको ऑब्जेक्ट डालना है, क्योंकि कलेक्शन में ऑब्जेक्ट तो आप डाल ही सकते हो भाई, कलेक्शन तो हेट्रोजीनियस है, उसमें ऑब्जेक्ट भी हम डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, कोई क्लास का ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं ना, कोई अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, अरे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो वो अगर आपको अरेज, मतलब सॉरी, अरे लिस्ट बनाना है, या कोई स्टैक बनाना है, कोई वेक्टर बनाना है, अगर ऑब्जेक्ट्स का बनाना है आपको, ऑब्जेक्ट्स का बनाना है, तब हम कैसे डालेंगे, तो हमने बनाया लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, व्हेन यू हैव टू गिव ऑब्जेक्ट और रेफरेंस टाइप वैल्यूज टू द लिस्ट, ठीक है, व्हेन यू हैव टू गिव दिस वैल्यूज टू द लिस्ट, ओके। और वन सेकेंड यार, ये अच्छा कोई बात नहीं, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से, यहाँ से मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ, डैट्स इट, ये लिस्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है ब्रो। अब देखो यहाँ पे, अगर आपको व्हेन यू हैव टू
यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं ताकि पता चलता रहे। हाँ, तो अगर आपको ऑब्जेक्ट देना है उस लिस्ट में, आपको रेफरेंस टाइप देना है, तो हमने कहा कि भाई लिस्ट तो यूज करो, बट दिस टाइम यहाँ पर जो है वैल्यू यूज मत करो, यहाँ पर आपको यूज करना है REF रेफरेंस एंड देन आई बीन। अब यहाँ पर जो बीन होगा, बीन आईडी दे देना, ये एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो बीन आईडी हमने दिया एंड क्लोज द, इस तरीके से आपको जो रेफरेंस है वो क्लोज कर देना है। आप यहीं पर भी क्लोज कर सकते हैं इसको डायरेक्टली। अगर मान लीजिए दूसरा देना है फिर से हमें, तो फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे REF बीन इक्वल्स सम बीन आईडी टू सम अनदर बीन बीन आई डी सम अनदर बीन आई डी एंड इस तरीके से हम क्लोज कर देंगे। तो ये कब, जब आपको एंड ये लिस्ट यहाँ से क्लोज हो जाएगा। तो ऐसे तब आपको यूज करना है, ये टैग्स तब यूज करना है जब आपको ऑब्जेक्ट टाइप या रेफरेंस टाइप देना है। क्या समझ में आ रहा है? जब आपको ऑब्जेक्ट टाइप या रेफरेंस टाइप में देना है तब ऐसे यूज करना है। अब ये बीन इक्वल टू बीन आई डी क्या, ये जो बीन है भाई, ये बीन जो है वो अट्रीब्यूट है, ये ध्यान में रखिएगा। ये जो बीन हमने यूज किया यहाँ पर इस रेफरेंस टैग के अंदर अट्रीब्यूट है। तो इस तरीके से आपको ऐड करना है, ठीक है, इसमें इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक क्लास बनाता हूँ जो एक्सेप्ट करेगा लिस्ट, ठीक है, जो एक्सेप्ट करेगा लिस्ट। तो मैं एक नया बीन बना लेता हूँ यहाँ से राइट क्लिक करके, हियर आई विल जस्ट क्रिएट अ क्लास एंड मैं क्लास दे देता हूँ इसमें कॉलेज और जस्ट नॉट कॉलेज, मैं देता हूँ फैकल्टी डिटेल्स, ठीक है। हमने कहा फैकल्टी डिटेल्स डॉट जावा, ओके। अब इस फैकल्टी डिटेल्स डॉट जावा में फॉर एग्जांपल हमने लिया प्राइवेट, ठीक है, मैं लेता हूँ लिस्ट। अब देखिए यहाँ पर जो लिस्ट लूँगा जावा डॉट यूटिल डॉट लिस्ट हमने ये लिया। अब ये लिस्ट को मैं बना देता हूँ कि मैं भैया स्ट्रिंग, तो ये जेनरिक हमारा बन गया है ना कि ये लिस्ट जो है स्ट्रिंग टाइप के डेटा को रखेगा, स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स को रखेगा। अब इस लिस्ट को एक रेफरेंस दे देते हैं कि भाई फैकल्टी, ठीक है, लिस्ट ऑफ फैकल्टी हो गया हमारा, क्या स्ट्रिंग टाइप का लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जो होगा वो फैकल्टी में हमारा रहेगा। एक हम देते हैं प्राइवेट कि भाई जो लिस्ट बनाओ, ठीक है, ये लिस्ट कैसी रहेगा, डेट जावा डॉट यूटिल डॉट डेट कैसा, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कि कब ये ज्वाइन हुए थे हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में, हमारे कोचिंग में, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो इनका भी हमने एक लिस्ट बना रहा है, ठीक है, मैं इनका भी लिस्ट एक बना रहा हूँ। तो भाई ये जो डेट्स हैं, अब ये देखिएगा, ये तो नॉर्मल है ना, ये हमारे हो गए स्ट्रिंग सिंपल, ठीक है, स्ट्रिंग है या सिंपल है कुछ भी कह लो, सिंपल टाइप्स। अब ये जो हो गए हमारे ऑब्जेक्ट या रेफरेंस टाइप हुए ना, ये तो हमारे ऑब्जेक्ट या रेफरेंस टाइप वैल्यू डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिएगा, ध्यान से समझिए, यहाँ पे अगर मान लेते हैं मुझे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से करवाना है या सेटर इंजेक्शन, जो भी आपका मनपसंद हो या जो भी आपको लगे कि यहाँ पे ज़रूरत है, तो मैं फिलहाल सेटर इंजेक्शन का प्रयोग कर लेता हूँ। सेटर इंजेक्शन, वेयर इज द सेटर, पहले तो गेटर सेटर्स बनाना पड़ेगा एंड गेटर सेटर्स नहीं, हमें चाहिए सिर्फ सेटर्स, यस, ताकि सेटर इंजेक्शन फॉलो हो पाए। तो सेटर बन गया हमारा, ठीक है। मैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग को भी ओवरराइड कर देता हूँ, मैं जाऊँगा सोर्स एंड आई विल जस्ट क्रिएट टू स्ट्रिंग, वाई, बिकॉज मुझे देखना है कि जो वैल्यूज हमने इंजेक्ट किए वो पहुँचता है कि नहीं। सेव इट एंड जस्ट गो टू एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल, और यहाँ पे हमें जा करके एक बीन, नया बीन बनाना पड़ेगा, डेफिनेटली हमें एक नया बीन बनाना पड़ेगा। बीन आई डी इक्वल टू क्या यार, तो कॉलेज फैकल्टी, ओके, हमने कहा ठीक है कॉलेज फैकल्टी, क्लास कौन सा क्लास है भाई, क्लास इक्वल्स कॉम डॉट कोडर एक संकित डॉट बीन्स डॉट बीन्स डॉट क्या नाम था उसका हमारा, फैकल्टी, फैकल्टी डिटेल्स। अच्छा एक काम करते हैं, जो कॉलेज फैकल्टी है ना, इसमें हम कर लेते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं फैकल्टी डिटेल्स, ठीक है, ये फैकल्टी डिटेल्स। इस तरीके से ये बीन हमने बना दिया। अब ध्यान रखिए, जब आपको सेटर इंजेक्शन करना होता है तो हम प्रॉपर्टी टैग का यूज करते हैं, सॉरी नो, अब हमने यूज किया प्रॉपर्टी टैग का। अब जब हम प्रॉपर्टी टैग का यूज करेंगे तो नेम, अब उस प्रॉपर्टी का नाम डालते हैं। तो देखिए हमारा प्रॉपर्टी क्या है, हमारा जो प्रॉपर्टी है फैकल्टी डिटेल्स में एक है सेट, सेट फैकल्टी, ये सेटर मेथड वाला नाम हो गया फैकल्टी, ठीक है, और एक हो गया डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, ये दो है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, फैकल्टी ये जो हमारा है, ठीक है, इस में मुझे क्या सेट करना है, लिस्ट। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँगा, लिस्ट,
इस तरीके से लिस्ट टैग। अब हमारा वो नॉर्मल वैल्यू है राइट, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं नॉर्मल नाम लिख दूंगा। तो मैंने कहा राज सर वेलकम, हमने एक राज सर को ऐसे लिखा, वैल्यू डाला। फिर मैं डालूँगा वैल्यू और यहाँ पर मैंने डाला राहुल सर। ओके चलो ये दो काफ़ी आई थिंक, तो राज सर एंड राहुल सर ये हमारा लिस्ट में डाला गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिस्ट लिस्ट इसका यूज करना है, आसान है, बहुत आसान है। लिस्ट सेटर इंजेक्शन यूज हुआ, उसके अंदर हमें लिस्ट, लिस्ट के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी होगी। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू कि जब सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, तो सेकंड प्रॉपर्टी के लिए सेकंड प्रॉपर्टी टैग है ना, सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हमने कहा प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यस और नो, हमने कहा कि भाई ठीक है डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो आ जाते हैं। ये भी हमारा क्या है, लिस्ट है, तो हम जो लिस्ट रहेगा सबसे पहले जो लिस्ट रहेगा उसके लिए लिस्ट टैग। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें क्या ऐड करना है, क्या हमें ऑब्जेक्ट टाइप ऐड करना है, क्या हमें नॉर्मल टाइप ऐड करना है। तो अगर आप फैकल्टी डिटेल्स में देखें तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डेट, डेट, डेट क्या है भाई, जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, डेट तो एक क्लास है, तो जब डेट एक क्लास है यहाँ से डेट हमें निकल के आएगा, तो ये तो ऑब्जेक्ट टाइप या रेफरेंस टाइप हुआ, यस और नो, ऑब्जेक्ट टाइप या रेफरेंस टाइप हुआ। तो यहाँ पर हम क्या डाल रहे होंगे, हमें यूज करना पड़ेगा आर ई एफ अट्रीब्यूट का, रेफरेंस अट्रीब्यूट का। मैं कहूँगा बीन इक्वल टू, और यहाँ पर मैं बीन आईडी डाल दूंगा, बट जो बीन आईडी है हमने उसको बनाया है नहीं, तो मैं ऊपर आ जाता हूँ। ऑफकोर्स यहाँ पर ऑलरेडी पुराने डेट्स जो हमने आरएच क्लास में यूज किया था वो पड़ा हुआ है, बट मैं चाहूँगा कि मैं जो है एक नया यहाँ पे एक डिफाइन कर दूँ, और ये जो हमारा है मैं कह दूँ डेट वन, ओके, या ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग डेट वन, ठीक है, ज्वाइनिंग डेट वन जो है उसको मैं कर देता हूँ, डेट को मैं कह देता हूँ 10/6, ठीक है, सिक्स मंथ, जीरो से काउंट करो, जीरो फॉर जनवरी, तो सिक्स में जो भी आएगा वो उसकी वैल्यू हो जाएगी जुलाई आई थिंक, राइट। यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट टू, एंड इसको मैं चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ 5 या 3, और मैं इसको करता हूँ 1 या 3 कर देते हैं, ओके, तो अप्रैल हो जाएगा, क्योंकि 0 मतलब जनवरी, 1 मतलब फेब्रुवरी, 2 मतलब मार्च, और 3 मतलब अप्रैल, ऐसे करके। ठीक है, अब नीचे आते हैं और कहते हैं यहाँ पे कि आर ई एफ रेफरेंस बीन, जो बीन है वो कौन सा बीन उसमें ऐड होगा, एक बीन जाएगा, एक जो हमारा पहला जो जीरो इंडेक्स पे जाएगा उस लिस्ट में वो क्या डालना है, तो वो सपोज हमें डालना है, ऊपर आते हैं, ऊपर आते हैं, ऊपर आते हैं, ज्वाइनिंग डेट वन और ज्वाइनिंग डेट टू, तो पहले हमें जानना है ज्वाइनिंग डेट वन, तो ये जो बीन आईडी है, ध्यान देखिए, ये जो बीन आईडी है ये आईडी हम लोग वहाँ पे डालेंगे उस बीन में, इस बीन एट्रीब्यूट के वैल्यू में क्या डालना है, ज्वाइनिंग डेट वन, ठीक है, डेट वन। अब यहाँ से हमने किया फैकल्टी क्लोज, सॉरी आर ई एफ क्लोज, रेफरेंस क्लोज, मैं फिर से देता हूँ रेफरेंस बीन इक्वल टू वाट, सॉरी यहाँ पे हमें आ जाएगा ज्वाइनिंग डेट टू, और ये डेट टू ज्वाइनिंग हो गई, इसको भी कर देते हैं क्लोज। जी हाँ बिल्कुल, आप एक स्लैश लगा करके भी बंद कर सकते हैं, वरना आप फुल टैग का नाम लिख कर भी बंद कर सकते हैं। सेव कर लेते हैं, अब हमने इसको कर दिया सेव, ध्यान से देखिएगा, हमने इसको ऐसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं चला जाता हूँ कलेक्शन, जो मेन मेथड है इसका, इस मेन मेथड के पास कहते हैं कि जरा हमें भी जगह दीजिए, थोड़ा डिवाइडर बना लेते हैं। ठीक है, हम मैं कहूँगा इसमें कि भाई ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करो कि फैक्ट्री भैया, फैक्ट्री भैया जरा हमें भी अपना एक बीन दीजिए, गेट बीन, और उस बीन क्लास का क्या नाम होगा, उस बीन क्लास का नाम होगा फैकल्टी डिटेल्स, जो हमने वहाँ पे सेट कर रखा था, ठीक है, कॉमा, और यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, फैकल्टी डिटेल्स डॉट क्लास, ये टाइपकास्ट करके भी हमें खुद से दे देगा, हमें टाइपकास्ट खुद नहीं करना पड़ेगा। ये क्या देगा हमें, फैकल्टी डिटेल्स, ठीक है, एफ डिटेल्स, ओके, और फैकल्टी मैं लिख देता हूँ फैक डिटेल्स, ठीक है, फैक डिटेल्स, फाइन यार, लीजिए। अब अगर मैं साउट करूँ इस फैक डिटेल्स को, ठीक है, इस फैकल्टी डिटेल्स को, तो इसका टू स्ट्रिंग मेथड चलेगा, और उस टू स्ट्रिंग मेथड में, उस टू स्ट्रिंग मेथड में फैकल्टी डिटेल्स में देखिए क्या लिखा हुआ है, फैकल्टी प्रिंट हो जाओ भाई, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रिंट हो जाओ। यस डेफिनेटली होगा, ऑफ कोर्स होगा, आप देखो आराम से। हमने किया इस फाइन ईयर, इसको करते हैं एक बार रन, सी आर, ये रन होने देते हैं, नॉर्मल रन करेंगे ग्रैडल में नहीं। क्या हमारा ये पहले वाला आ रहा है, तो कल का जो हमने सीखा था अरेज में, ठीक है, ये देखिए फैकल्टी डिटेल्स, आपको फैकल्टी डिटेल्स दिख रहा है, ये फैकल्टी राज सर, राहुल सर असाइन हो गए,
और जो डेट हमने दिया था संडे जुलाई 10 जो भी हमने डेट दिया है वो आ रहा है, और संडे अप्रैल 3 यस यस और नो ऑफकोर्स आ रहा है, तो यहाँ से हमारा यूज हो जा रहा है। फाइन यार, अब बात ये है, देखिए यहाँ पे ये हमारा काम कर रहा है, तो इस तरीके से आपको यूज करना है। किस कैसे यूज करना है आई थिंक आप समझ ही गए होंगे। फाइन ना, अगर मैं इसको एग्जाम्पल को कॉपी पेस्ट कर दूँ, ठीक है, इस एग्जाम्पल को अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ओके, तो आप भूलना मत यार, ठीक है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाना है कि क्या लिखा हुआ है, नहीं बिल्कुल नहीं, आप कोड को देखते हुए, वीडियो को देखते हुए फॉलो करेंगे, नोट्स को तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि इस तरीके से आपको यूज कर लेना है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक रियल एग्जांपल यहाँ पे भी दिया गया है एग्जांपल, ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है। अब अगर आप एक चीज़ और समझने की कोशिश करें, तो एक चीज़ और है कि अगर आप देखिए इस लिस्ट में अगर आप वैल्यू डैश टाइप इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप जावा डॉट यूटिल डॉट ऐसे डेट लिख दें, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लिस्ट है वो किस टाइप की वैल्यू रख रहा है, जावा डॉट यूटिल डॉट टाइप की। बट वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर भी कर रखा है एक चीज़, फैकल्टी डिटेल्स डॉट जावा में, ये बिल्ड डॉट ग्रेडल क्लोज करता हूँ मैं पहले, हाँ फैकल्टी डिटेल्स डॉट जावा में ये लिस्ट को हमने कैसा बनाया है, अ लिस्ट ऑफ डेट टाइप है ना, हमने ऑलरेडी यहाँ पर बना दिया, तो ऑलरेडी हमने जेनरिक्स का यूज़ किया है तो इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये जो जावा डॉट यूटिल डॉट डेट है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं आईओसी कंटेनर को बताने के लिए कि हाँ भाई ये जो लिस्ट है इसमें किस तरीके की वैल्यू जाएगी। यहाँ पर लिस्ट में भी आप डाल सकते हैं कि हाँ भाई वैल्यू डैश टाइप इक्वल्स, मुझे चाहिए कि जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग की वैल्यू जाए, सेव करते हैं। एंड देखिए एक चीज़ और है भाई, ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, अगर आप इसको देखें कलेक्शन इंजेक्शन को, अगर आप रन करें इस कलेक्शन इंजेक्शन टेस्ट को रन करके भी देखें तो सेम चीज़ यस आपको मिल रही है, डेट जो भी हमने सेट किया है वो राहुल सर राज सर जो भी एक्स वाई जे। अब यहाँ क्या हो रहा है कि हमने सब कुछ किया, ठीक है, परफेक्टली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लिस्ट है यहाँ पर, क्योंकि लिस्ट तो इंटरफेस है ना, लिस्ट जो है कलेक्शन में लिस्ट एक इंटरफेस है, उसका इम्प्लीमेंटिंग क्लास होता है, अरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, वेक्टर। तो जो लिस्ट इंटरफेस है आखिर इंटरनली ये किसका यूज कर रहा होगा, इसको जानने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट बन रहा है हमारा, हम चले जाते हैं अपने फैकल्टी डिटेल्स डॉट जावा में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है किसका, लिस्ट का है ना, ये लिस्ट किसी भी लिस्ट में से अगर हम यूज करें, और हम कहते हैं कि जो फैकल्टी में ऑब्जेक्ट है जिस क्लास का, उसको ज़रा सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एलन करवा दो, फैकल्टी में जो भी ऑब्जेक्ट है उस क्लास का नाम बताओ, कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो गेट क्लास करते हैं। अब जब गेट क्लास करेंगे तो ये नाम बता देगा, हमें नाम पता चल जाएगा कि कौन सा क्लास है, वो पता चल जाएगा ये क्लास है। अगर इस बार आप रन करते हो कलेक्शन इंजेक्शन टेस्ट को, तो देखिए बाई डिफ़ॉल्ट जो लिस्ट बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो किसका यूज कर रहा है, अरे लिस्ट, खुद से मैंने नहीं लिखा है कि भाई अरे लिस्ट यूज करो, ये खुद ही अरे लिस्ट का यूज कर रहा है। फाइन, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अरे लिस्ट यूज करता है, और बाय डिफ़ॉल्ट वाले सेटिंग को आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपको वेक्टर यूज करना है, स्टैक यूज करना है, तो प्रॉपर यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं प्राइवेट स्टैक ऐसे यूज करना है मुझे, आपको यहाँ पर प्रॉपर बताना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं यहाँ पर स्टैक यूज करना चाहता हूँ, स्टैक, स्ट्रिंग या वट एवर, समझे, आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो ये है, अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ लिस्ट यूज करते हैं तो ये किसका यूज करेगा, इंटरनली जावा डॉट यूटिल डॉट वो जो अरे लिस्ट है, लिस्ट इंटरफेस का इम्प्लीमेंटिंग जो क्लास है वो आपका अरे लिस्ट, उसको यूज कर लेगा। क्या समझ में आया, यस, अगर समझ में आया तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ लिख देता हूँ रेड कलर से अरे लिस्ट, ओके, लिस्ट इंटरफेस इंटरनली यूजेज अरे लिस्ट क्लास बाय डिफॉल्ट एंड वी कैनॉट चेंज द बाय डिफॉल्ट सेटिंग हियर, सो व्हेन आवर नीड इज टू यूज
a stack, vector, or linked list, then we have to define it by ourselves. क्या समझे? ourselves. कैसे? देखिए, आपको जब यूज करना है, मान लीजिए मुझे यूज करना था लिंक्ड लिस्ट, तो मैं लिखूंगा लिंक्ड लिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग. ठीक है, मैंने कहा कि लिंक्ड लिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग. ओके, यहाँ पे मैंने लिखा माय लिस्ट. फाइन, ये किसका लिंक्ड लिस्ट बनेगा? ये किसका लिंक्ड लिस्ट बनेगा? प्राइवेट. अगर मुझे यूज करना है वेक्टर ऑफ इंटीजर्स, ये किसका बनेगा? माय वेक्टर. फॉर एग्जांपल प्राइवेट, अगर मुझे यूज करना है स्टैक, तो मैं यूज कर लेता हूँ लेट्स से स्टैक में हमें यूज करना है अगेन आई वांट टू यूज अ स्ट्रिंग माय स्टैक. तो इस तरीके से आपको खुद यूज करना होगा. फाइन ना? तो लिस्ट इंटरफेस इंटरनली किसका यूज कर रहा होता है? बाय डिफ़ॉल्ट. तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज करेगा वह मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया, और ऐसे आपको बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो आई थिंक आप इसको यूज करवा लेंगे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब. तो ये थी लिस्ट को आप कैसे इंजेक्ट करवा सकते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू. फाइन, आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे. अभी ये नोट्स मैं आपको नहीं दूंगा कलेक्शन इंजेक्शन का नोट्स आपको मिलेगा अभी और आने वाली वीडियोज़ में. ठीक है, ये क्योंकि मैं एक ही ये जो कलेक्शन इंजेक्शन है उसको एक ही साथ रखूंगा, है ना. कलेक्शन इंजेक्शन लिस्ट बता दूंगा, फिर मैप बता दूंगा, ऐसे करके बताऊंगा, तब मैं जा करके आपको ये पूरा का पूरा एक जो फाइल ही है उसको दे दूंगा. ठीक है, तो इंजेक्टिंग वैल्यूज टू जावा डॉट यूटिल डॉट लिस्ट हमने देखा किस तरीके से लिस्ट में हम वैल्यू इंजेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, आई थिंक आपको समझ में अब आ गया होगा. फाइन, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि इंजेक्टिंग वैल्यूज टू जावा डॉट यूटिल डॉट मैप. अब मैप में हम लोग कैसे वैल्यूज़ को इंजेक्ट करते हैं? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, मैप में आखिर हम लोग वैल्यूज़ कैसे इंजेक्ट करते हैं ये भी जानना है हमें. तो मैप अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ा, हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ गया कि नहीं भाई अब हमें मैप का यूज करना है, तो उस केस में हम कैसे इंजेक्ट कर रहे होंगे? या सेट मैप, सेट पहले बता दूँ क्या? चलो मैं सेट बता देता हूँ आपको पहले. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इंजेक्टिंग वैल्यूज टू जावा डॉट यूटिल डॉट सेट. जो सेट है उसमें कैसे हम लोग वैल्यूज जो है वो इंजेक्ट करेंगे, ज़रा वो देखिए. ठीक है, सेट पहले तो सेट के बारे में जानिए कि सेट क्या है भाई. ठीक है, सेट आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाता है? तो पहली बात कि सेट जो कलेक्शन है वो डुप्लीकेट्स भैया अलाउड नहीं करता है. ठीक ना, डुप्लीकेट्स कहता है कि नहीं भाई मैं अलाउड नहीं करूँगा. तो ओके, तो डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड हियर. ओके ना, यहाँ पर डुप्लीकेट्स एलिमेंट जो है वो अलाउड नहीं होते हैं. दूसरा ये क्या कहता है कि भाई यहाँ पर इंडेक्स नहीं होता है. ठीक ना, ये कंटिन्यूसली वन बाई वन जो है वो वैसे यहाँ पर डेटा जो इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड. फाइन ना, इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड. तो यहाँ पर जिस तरीके से आपने डाला उस तरीके से आपको मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर इंडेक्स के थ्रू आप इसको एक्सेस कर नहीं सकते हैं. ओके, और क्या है, अगर आपको इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करवाना है, ओके, टू प्रिजर्व द इंसर्शन ऑर्डर, तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं यू शुड यूज लिंक्ड हैश सेट करके होता है. ठीक है, आप लिंक्ड हैश सेट का यूज कर सकते हैं, तो इंसर्शन ऑर्डर जो है वहाँ पे वो हो जाएगा. ठीक है, ओनली वन नल वैल्यू इज अलाउड. आप सिर्फ एक नल वैल्यू डाल सकते हैं लिस्ट में, ऐसा नहीं था वहाँ पे डुप्लीकेट्स अलाउड थे, तो आप जो नल वैल्यू है वो भी डाल सकते थे. यहाँ पर बस एक नल वैल्यू चाहता है. आई थिंक ये सब आपको पता होगा, और नहीं पता तो प्लीज़ इसको पढ़िए, पता कीजिए. ठीक ना, चलिए हम लोग आगे बढ़ते. तो कैसे इसको हम लोग डालते हैं? सिंपल है, ये जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML होता है, इसमें हम लोग कैसे इसको एंटर करते हैं, जो भी हम यूज करते हैं वो कैसे करते हैं, ज़रा यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर. अब यहाँ जो है जिस तरीके से हम लिस्ट यूज कर रहे थे ना, उसी तरीके से हम सेट भी यूज कर लेंगे. बेसिकली हम यहाँ पे कहेंगे सेट. ठीक है,
यहाँ पे हम इस सेट टैग का यूज कर रहे होंगे, और सेट टैग का यूज करने के बाद यहाँ पे हम डाल रहे होंगे वैल्यू एज इट इज़। सेट के बाद हम डालेंगे वैल्यू, और सेट के बाद हम यहाँ पे डाल रहे होंगे वैल्यू टैग। वैल्यू टैग में यहाँ पर हम कुछ डालेंगे सम वैल्यू, और यहाँ पर हमने कर दिया वैल्यू क्लोज, और यहाँ पर फिर हम कुछ अनदर वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे हमने अगेन डाला सम अनदर वैल्यू, ओके, और यहाँ पे हमने किया वैल्यू क्लोज, ठीक है, फिर हम कर देंगे सेट क्लोज। एक हमारा रेडी हो गया। दूसरा चाहिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइप का सेट है तो, है ना, तो ऑब्जेक्ट टाइप का सेट है तो अगेन यहाँ पे सेट, यहाँ पे हम यूज कर लेना है आर ई एफ रेफरेंस बीन इक्वल्स क्या यार, यहाँ पर हम बीन आईडी दे देंगे जिस तरीके से वहाँ यूज कर रहे थे, यहाँ पर ऐसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। अगर हम करते हैं रेफरेंस बीन, ठीक है, इक्वल टू लाइक दिस बीन आईडी टू, ठीक है, जो भी हमारा बीन आईडी है यहाँ पे हमने किया, और ऐसे करके हम रेफरेंस ऐसे भी बंद कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इस तरीके से आप जो है सेट भी यूज कर सकते हैं। क्या समझ में आया? फाइन, क्या समझ में आया आपको किस तरीके से आप सेट जो है यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? अभी देखिए हम लोग प्रैक्टिकली ज़रा देखते हैं, ठीक है, बट ये वाला जो चीज़ है ये जो कब कब है ना, ये कब है कि वेन यू हैव टू गिव सिंपल वैल्यूज, है ना, सिंपल वैल्यूज तब की बात है ये, जब आपको सिंपल वैल्यू देना है तब। अगर आपको ऑब्जेक्ट टाइप देना है तो ये वाला When you have to give object type or reference type value, तब आपको ऐसे यूज करना है आर ई एफ बीन इक्वल टू दिस एंड दैट एंड दोज। फाइन यार, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ज़रा देखिए, मैं यूज करता हूँ, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और क्लास बनाता हूँ, यहाँ पे हमने लिया फैकल्टी डिटेल्स ना, इसी बीन में मैं एक नया बीन बनाता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ, एंड मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है, मैंने कहा स्टूडेंट डिटेल्स भैया। इस स्टूडेंट डिटेल्स में हम यूज कर रहे होंगे प्राइवेट, हमने कहा सेट, सेट ऑफ मैं यूज करना चाहता हूँ प्राइवेट, वन सेकेंड, पहले तो मैं यूज करूँगा सेट java.util.set, तो सेट जो कॉमन है, ठीक है, और यहाँ क्या बोल रहा था मैं, हाँ ठीक है भाई, स्ट्रिंग अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, या एक काम करते हैं सेट लॉन्ग ले लेते हैं, ठीक है, सेट लॉन्ग, क्यों लॉन्ग लिया मैंने और सेट क्यों लिया, देखिए सेट मैं लेता हूँ स्टूडेंट आईडी, क्योंकि स्टूडेंट का जो आईडी होगा वो लॉन्ग टाइप का मैं ले रहा हूँ, और वो कैसा हो जाएगा, यूनिक होगा, वो डुप्लीकेट्स होगा ही नहीं, राइट, तो हमने ले लिया सेट। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्राइवेट सेट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइवेट सेट, और कैसा, तो अगेन मैं लेता हूँ एक डेट java.util.date, एंड यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, हमने कहा कि स्टूडेंट कब रजिस्टर हुआ था ज़रा वो दिखाओ, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जांपल हमें ये रखना है। मैं ले लेता हूँ सोर्स, एंड सोर्स में जाते हैं जनरेट सेटर्स, ओनली सेटर्स आई नीड, ओके, बट एक काम करते हैं, आपको लगेगा कि सिर्फ सेटर में सेटर वो क्यों यूज कर रहा हूँ मैं, सेटर इंजेक्शन, एक काम करते हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इसमें यूज करते हैं, तो ऐसे दोनों हमें पता चल जाएगा। तो सोर्स जस्ट जनरेट द कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स एंड जनरेटेड, तो हमारा कंस्ट्रक्टर रेडी है, इसको मैं हटा लेता हूँ, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे मैं एंटर लेता हूँ, ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर रेडी है, और हमें देखना होगा, तो मैं एक काम करता हूँ टू स्ट्रिंग यूज कर लेता हूँ, नॉट रन एज सोर्स, एंड यहाँ मैं अगर जाऊँ तो टू स्ट्रिंग का भी प्रयोग कर सकता हूँ, सी आर सेव इट, एंड आसान है यार, जस्ट आपको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल में जाना है, यहाँ पे आपको एक बीन डिफाइन करना होगा, डेफिनेटली आपने एक नया बीन बनाया है, तो बीन आईडी इक्वल मैंने कहा स्टूडेंट डिटेल्स एस टू डिटेल्स, एंड क्लास कहाँ है हमारा, तो कॉम डॉट कोडरिक्स अंकित डॉट बीन्स डॉट स्टूडेंट डिटेल्स नाम का एक क्लास है, यस और नो, यस। अब यहाँ पर जो हमें यूज करना है वो क्या यूज करना है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर, ओके, कंस्ट्रक्टर हाइफन एआरजी, राइट, कंस्ट्रक्टर हाइफन एआरजी। अब ध्यान रखिएगा ये जो कंस्ट्रक्टर हाइफन एआरजी है, ठीक है, ध्यान रखना भाई, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हाइफन एआरजी जो होगा इसके अंदर ना तो मुझे कोई नॉर्मल ऐसे वैल्यू लेनी है अभी,
ना तो मुझे कुछ और लेना है, राइट। अभी हमें कुछ, हमें तो सेट लेना है ना, तो कंस्ट्रक्टर हाइफन आर लिख करके ऐसे हम इंटर ले लेंगे जब आप सेट इंजेक्शन के साथ काम करेंगे तब। अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, सेट। अब इस सेट के अंदर यार हमें क्या लेना पड़ेगा, वैल्यू। अब इस वैल्यू में हम लेंगे कि भाई अंकित, ओ सॉरी 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 एक्सट्रीमली सॉरी, पहले 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 हम आते हैं स्टूडेंट डिटेल्स में। एंड सी यार, स्टूडेंट डिटेल्स में हमने क्या लिया है, लॉन्ग है ना, लॉन्ग लिया, लॉन्ग टाइप का है। तो वन सेकेंड, फैकल्टी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल, इस वैल्यू में मैं डाल देता हूँ 180012, सपोज़ दिस इज़ माई रजिस्ट्रेशन नंबर। कॉपी करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। सपोज़ दिस इज़ अगेन, ये जो दूसरा स्टूडेंट होगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ओके। एंड अब हमें डालना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ऑफकोर्स हमें तो वो दूसरे कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट में ना, ये देखिए ये जो स्टूडेंट डिटेल्स है इसका दूसरा कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है ना, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये नाम जो है सेम नाम का एक और कंस्ट्रक्टर आर्ग के अंदर बन रहा होएगा यहाँ पे, बट वहाँ पे जो वैल्यू डलेगा यहाँ देखिए यहाँ आएगा ये सेकेंड कंस्ट्रक्टर हाइफन आर्ग, ये हमारा बन हुआ, बंद हुआ, ऑफकोर्स ये बंद होना भी चाहिए। हम कहेंगे कंस्ट्रक्टर जो दूसरा हमारा है कंस्ट्रक्टर हाइफन ए आर जी, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्टर हाइफन ए आर जी के अंदर जो है सेट जाएगा और सेट के अंदर अब इस बार डेट डालना है, और डेट तो हमारा कैसा है, तो डेट जावा डॉट यूटिल डॉट डेट इज ए क्लास। तो डेट जब एक क्लास है मेरे भाई, तो यहाँ पर मुझे क्या यूज करना है, सेट है ना, ओ सॉरी अगेन सेट, हम तो हमने ये यूज कर ही लिया एक बार। हमें क्या यूज करना है, आर ई एफ रेफरेंस, यस और नो, हमें क्या यूज करना होगा, रेफरेंस। तो मैं यूज करूँगा ऐसे लिख करके रेफरेंस एंड कहूँगा बीन, कौन से बीन को रेफरेंस देना है, तो मुझे एक डेट बनाना पड़ेगा, राइट। तो ऑलरेडी इतना सारा डेट बना हुआ है ना, ऑलरेडी देखो इतना सारा डेट बना हुआ है, इतना सारा डेट बना हुआ है, मैं और बनाऊँ, अच्छा ठीक है भाई चलो मैं आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैं कह देता हूँ स्टूडेंट, ऐसे कह देते हैं डेट, ऐसे लिख देते हैं यार S2D1 स्टूडेंट डेट वन, ठीक है ऐसे कर लेते हैं, चलो ठीक है यही चीज़ रहने देंगे, स्टूडेंट डेट वन और कॉपी कर लेते हैं मेरे भाई। एंड स्टूडेंट डेट टू, और डेट बदल देंगे बस, यहाँ से क्या बदलेंगे, इसको मंथ को कर देंगे 4 और डेट को कर देंगे 30, सेव कर लेते हैं। आ जाते हैं नीचे, बीन बताइए कौन सा डालूँ मैं, तो मैं डाल देता हूँ S2D1, ठीक है। ये किया हमने क्लोज REF रेफरेंस को, इस रेफरेंस टैग में फिर से आएंगे एंड वन सेकेंड, एक बार हमारा क्लोज है, बीन इक्वल STUD2, हमने कहा D2 भैया आप जरा एक बार मुझे यूज करने दो, एंड यहाँ पे हम इसको भी कर लेते हैं क्लोज एंड सेव इट। हमने सेव कर लिया, देखिए हमने ये यूज कर लिया कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर में ही क्योंकि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर रहे हैं मेरे भाई, तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन जब करते हैं तो कंस्ट्रक्शन हाइफन ARG, यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू या REF ऐसे करके नहीं देंगे या वैल्यू देंगे, क्योंकि हमें डायरेक्ट नहीं डालना है, हमें क्या डालना था, अब सेट कोई कलेक्शन डालना है, तो सेट के अंदर हम लोग यूज कर रहे होंगे इस कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू। तो यहाँ पर हमने किया, आ जाते हैं यहाँ पे फैकल्टी डिटेल्स बोल रहा हूँ मैं, कलेक्शन टेस्ट में, और ये कलेक्शन जो हमारा मेन क्लास है यहाँ पर कहते हैं कि भैया जरा हमें भी जगह दीजिए, तो डिवाइडर लगा देते हैं बेसिकली, और इस डिवाइडर के नीचे कहेंगे कि फैक्ट्री भैया डॉट गेट बीन, ले आओ कौन से बीन को, तो मेरा जो बीन है वो, और हमने क्या बीन बनाया है स्टूडेंट डिटेल्स का, तो वो जो बीन हमने बनाया है वो दे देंगे STU डिटेल्स। हमने कहा ठीक है भाई दे दो यार बीन को, दे दो यार मुझे काम है यार, और ठीक है मैं कहूँगा ये लो। अब ये रेडी हो गया, यहाँ पे कर लूँगा मैं डॉट क्लास लगा लूँगा यहाँ पे भी इसका, कि स्टूडेंट डिटेल्स डॉट क्लास, ताकि यहाँ पे हमें टाइप कास्टिंग ना करनी पड़े, और ये हमें क्या देगा, स्टूडेंट डिटेल्स टाइप का देगा, यस ना, SD लिख देता हूँ SD, ओके। अब इस SD को अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अगर इस SD को मैं प्रिंट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इसका टू स्ट्रिंग मेथड चल के मिलेगा, तो टू स्ट्रिंग में जो भी लिखा हुआ होगा वो रन हो जाएगा, ऑफकोर्स रन होगा, तो राइट क्लिक करके मैं रन एज जावा एप्लीकेशन एक बार फिर से कर देता हूँ। एंड सी यार क्या हमें स्टूडेंट डिटेल्स में स्टूडेंट ID में वो स्टूडेंट मिल रहा है,
यस। क्या हमें ये आईडी मिल रहा है? यस। क्या हमें डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में जो हमने डाला है, जो चेंज किया है, वो मिल रहा है? यस, दोनों डेट आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेट भी इंजेक्ट करवा सकते हो जब आपको सेट चलाना है तो। अच्छा, अगर आप पूछोगे कि भाई क्या यूज कर रहा है इंटरनली, कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट यूज कर रहा है, तो वो उसके लिए कहाँ जाएंगे? सेट स्टूडेंट डिटेल्स में हम कहेंगे कि भाई स्टूडेंट आईडी के पास जो क्लास, ज़रा उसको दिखाओ। ये कहेगा ठीक है, स्टूडेंट आईडी डॉट गेट क्लास एंड सेव इट एंड अगेन जस्ट री रन द कलेक्शन इंजेक्शन टेस्ट एंड री रन इट। तो ये फिर से हमें दिखा देगा कि हाँ भाई कलेक्शन इंजेक्शन देखिए लिंक्ड हैश सेट का ये यूज कर रहा है। ठीक है, जावा डॉट यूटिल डॉट लिंक्ड हैश सेट का इंटरनली यूज कर रहा है। तो सेट इंटरनली बाय डिफॉल्ट लिंक्ड हैश सेट का यूज करता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए लिंक्ड हैश सेट का, लिंक्ड हैश सेट का इंटरनली ये यूज कर रहा है। क्या समझ में आया? तो यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होगा, जिस तरीके से हम इंसर्ट करेंगे उसी तरीके से ये डलता चला जाएगा। राइट, तो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि सेट को हम कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं। यस और नो भाई, सेट को कैसे इंजेक्ट करवाना है, क्या आपको क्लियर है? यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ, यस आई शुड कॉपी पेस्ट द कोड, नॉट द टोटल कोड। जब मैं ये कोड कॉपी कर दूँगा तो आपको पता तो चल ही जाएगा भाई, मैं बस इतना कोड आपको कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, आपको पकड़ लेना, क्योंकि जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ही और यहाँ से आप समझ जाएंगे। फिर ये मैंने कर दिया कॉपी, एग्जाम्पल, ठीक है, फाइन यार। सो आई थिंक अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे किस तरीके से आपको लिस्ट इंजेक्ट करना है, किस तरीके से आपको सेट इंजेक्ट करना है। बेसिकली सेट के लिए सेट, लिस्ट के लिए लिस्ट, इट इज़ सिंपल। सेट के लिए सेट, लिस्ट के लिए लिस्ट, वो टैग, आसान तो है यार, फाइन ना? यस, चलिए फाइन यार, ग्रेट। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड देखते रहिए कोडर संकेत। अगर आप नहीं सीखें कलेक्शन फ्रेमवर्क तो प्लीज़ सीखिए, ठीक है, पैरेलली आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे आगे।